दोस्तों, अगर आपकी चेक बुक हो जाती है तो आप भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि आज के टाइम में काफ़ी सारे भाई यहाँ पर ऐसे होते हैं जो अपनी चेक बुक के अंदर एडवांस में सिग्नेचर करके रखते हैं। एंड अगर वो सिग्नेचर करी हुई चेक बुक किसी भी यहाँ पर फ्रॉड पर्सन के हाथ में आ जाती है तो वो आपके चेक को भर कर उस चेक को यहाँ पर या तो अपने अकाउंट में लगा देगा या फिर उस चेक को विड्रॉल करने के लिए चला जाएगा। एंड जब आपका चेक यहाँ पर बाउंस हो जाता है, आपके अकाउंट में पैसे नहीं होते हैं एंड वो पर्सन आपका चेक लगा देगा तो आपको यहाँ पर 6 महीने की जेल या फिर 10,000 रुपये का जुर्माना भरना पड़ सकता है। सो इसलिए यहाँ पर अगर आपकी चेक बुक हो जाती है तो आपके मन में तरह तरह के सवाल आने लगते हैं कि अब मेरे साथ क्या हो सकता है। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर आपकी चेक बुक हो जाती है तो आपको यहाँ पर फर्स्ट स्टेप क्या उठाना चाहिए जिससे कोई भी पर्सन आपके साथ किसी भी तरह का कोई फ्रॉड ना कर सके। सो आज की इस वीडियो को स्टार्टिंग से आखिर तक जरूर देखें। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ चेक बुक हो जाने के बाद आपको क्या करना चाहिए। सो अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पर आपके लिए बैंकिंग एंड फाइनेंस को बहुत ही ज्यादा आसान बनाता हूँ। अब हम आज की इस जबरदस्त वीडियो को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जब आपकी चेक बुक हो जाती है तो सबसे पहले आपको क्या करना है आप यहाँ पर समझ लीजिए। दोस्तों, चेक बुक जो जारी करता है वो करता है कोई भी एक बैंक, तो आपने यहाँ पर जिस भी बैंक की चेक बुक आपने बनवा रखी है एंड वो चेक बुक अगर आपकी खो चुकी है तो सबसे पहले आपको अपने नियर बाई बैंक में जाना है, यानी कि जहाँ से आपको चेक बुक जारी हुई है आपको सबसे पहले उस बैंक के अंदर जाना है। एंड वहाँ पर जाने के बाद आपको एक एप्लीकेशन लिखनी है, उस एप्लीकेशन में आपको लिखना है सेवा में श्रीमान शाखा प्रबंधक महोदय भारतीय स्टेट बैंक। स्टेट बैंक को मैं एज ए एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, आपका जो भी बैंक है आप अपने बैंक का नाम लिख सकते हैं। आपको उसमें लिखना है कि महोदय, निवेदन इस प्रकार है कि आपकी शाखा में मेरा खाता नंबर ये है तथा मैंने इस खाते पर अपनी एक चेक बुक जारी करवा रखी थी जो मेरी अब यहाँ पर खो चुकी है, तो अतः श्रीमान जी मेरा आपसे निवेदन है आप मेरी उस चेक बुक को ब्लॉक करने की कृपा करें जिससे उस चेक बुक का कोई भी व्यक्तिगत इस्तेमाल ना कर सके, धन्यवाद। नीचे आपको अपना नाम, अपना अकाउंट नंबर, अपना मोबाइल नंबर एंड उस एप्लीकेशन पर अपने सिग्नेचर कर देने हैं। एंड इस एप्लीकेशन के साथ आपको अपने आधार कार्ड की फोटोकॉपी एंड अपने पैन कार्ड की फोटोकॉपी लगा देनी है। अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो सिर्फ आप आधार कार्ड ही लगा दीजिए। उसके बाद आपको इस एप्लीकेशन को अपनी ब्रांच के अंदर सबमिट कर देना है। सबमिट आप जैसे इस एप्लीकेशन को कर देंगे तो वहां पर जो ब्रांच मैनेजर सर होंगे आपकी चेकबुक को इंस्टेंट तौर पर ब्लॉक कर देंगे। दोस्तों, जब आप इस एप्लीकेशन को अपनी ब्रांच में सबमिट करेंगे तो ब्रांच में जो भी एम्प्लॉय होंगे वो आपसे बोल सकते हैं कि आप हमें इसकी एक FIR कॉपी भी प्रोवाइड करा दीजिए। तो अगर आपसे ऐसा बोला जाता है तो आप अपनी नजदीकी थाने के अंदर जाकर एक FIR की फोटोकॉपी भी बैंक वालों को प्रोवाइड करा दीजिए। FIR करने में कोई बड़ा खेल नहीं होता है, आपको सिर्फ एक सिंपल सी एप्लीकेशन देनी होती है। उस एप्लीकेशन में भी आपको वही बात लिखनी है जो आपको बैंक वाली एप्लीकेशन में लिखनी है। उसके बाद आपकी FIR दर्ज हो जाएगी एंड उस FIR की फोटोकॉपी भी आपको उस बैंक वाली एप्लीकेशन के साथ अटैच कर देनी है। एंड फिर आपके बैंक वाले आपकी उस चेकबुक को ब्लॉक कर देंगे। ब्लॉक होने के बाद कोई भी पर्सन आपके चेक को अगर बैंक में लगाता है तो वो चेक उसका क्लियर नहीं होगा, क्योंकि आपने ऑलरेडी अपनी चेकबुक को ब्लॉक करा दिया है, यानी कि जो आपकी चेकबुक खो चुकी थी अब उस चेकबुक का कोई भी व्यक्ति गलत इस्तेमाल नहीं कर सकता है। एंड अगर आपको ये एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है तो आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करने की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैंने आपको कंप्लीट प्रोसेस बता दिया है कि अगर आपकी चेकबुक खो जाती है तो आप अपनी चेकबुक को खो जाने के बाद किस तरह से आप अपनी चेकबुक को सेफ रख सकते हैं, यानी कि आपको चेकबुक खो जाने के बाद फर्स्ट स्टेप क्या करना होता है। सो अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पर आपके लिए बैंकिंग एंड फाइनेंस को बहुत ही ज़्यादा आसान बनाता हूँ। सो अब हम आपसे मिलेंगे फिर किसी दिन फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।